हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेक इन लाइन। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू मेक टू इंग्रेडिएंट्स थ्री फ्लेवर्ड आइसक्रीम। सो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो सॉल्टेड कैरमल सॉस एंड लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड आइसक्रीम। तीनों आइसक्रीम को बहुत अच्छे से इजीली कस्टमाइज किया जा सकता है एज पर योर फ्लेवर्स। एंड आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी और बिस्किट बेस या कोई भी बिस्किट स्प्रेड न्यूटेला यूज करके अपना फ्लेवर जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी नाउ। सो सबसे पहले हम आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर डाली है 2 कप ऑफ व्हिपिंग क्रीम। इन वेट इट इज 480 ग्राम्स। उसको मैंने फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रखा था ओवरनाइट एंड नाउ आई एम बीटिंग इट। अ टिप टू बीट व्हिपिंग क्रीम इज कि आपके जो बोल है, ये जो आपका विस्क है, अटैचमेंट्स है बेसिकली, वो हमेशा कोल्ड होना चाहिए। एंड डेली एनसीआर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सो मैं अपने बोल को और अटैचमेंट को एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ बिफोर आई स्टार्ट व्हिपिंग द क्रीम। आइसक्रीम बेस बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका बेसिक सॉफ्ट पीक्स भी आ जाती हैं सो उतना बीटिंग भी इनफ है। बट इस क्रीम को बीट करना हाथ से थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो आई वुड प्रेफर इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट इट विल बी गुड। इफ़ नॉट सो आप नीचे एक बड़ा बोल रख के उसमें बहुत सारी आइस डालिए एंड उसके ऊपर अपना क्रीम का बोल रख के अपने हाथ वाले विस्क से भी आप विस्क कर सकते हैं। उसमें आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सो यहाँ पर हम अपने आइसक्रीम का जब बेस तैयार करेंगे, एज आई सेड देयर विल बी टू इंग्रेडिएंट्स। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम है एंड सेकेंड हम डाल रहे हैं यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क। सो जो व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये रिचेस ब्रांड की है। सो नेक्स्ट आई एम एडिंग 225 ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि आपका जो बेस है आइसक्रीम का वो यूनिफॉर्म हो जाए। और आप इसको यहाँ पर टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि कितना इसका स्वीटनेस है, बिकॉज जब आप फ्लेवर डालते हैं तो जो स्वीटनेस होती है उसको भी आपको कट करना पड़ता है। एज टुडे आई एम मेकिंग 3 फ्लेवर्स फ्रॉम दिस आइसक्रीम बेस। सो मैं इस पूरे आइसक्रीम बेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। एंड ये हमारा आइसक्रीम का बेसिक बेस रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स में ऑलरेडी इसको डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आज बना रही बिस्कॉफ आइसक्रीम। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लोटस ब्रांड का बिस्कॉफ स्प्रेड यूज किया है। बिलीव मी, बहुत ही टेस्टी है, इट्स रियली अमेजिंग। एंड उसके साथ फॉर द क्रंच आई एम एडिंग 3 to 4 लोटस बिस्किट्स ऑल्सो। सो इस अमाउंट के लिए 70 ग्राम्स ऑफ बिस्कॉफ स्प्रेड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एंड 3 to 4 चॉप्ड लोटस बिस्किट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और फ्रीज करने से पहले आप यहाँ पर इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फ्लेवरिंग के लिए तो आप वो इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मैंने बिस्किट्स को बहुत ही रफली चॉप किया है और हमारी बिस्कॉफ आइसक्रीम यहाँ पर रेडी हो जाती है। इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास ये आइसक्रीम कंटेनर्स हैं जो मैंने अपनी चॉकलेट आइसक्रीम में आपको शो किए थे। इट इज़ द सेम कंटेनर आई एम यूजिंग। आप अपने कंटेनर में आइसक्रीम को डालिए और इसको ओवरनाइट, मिनिमम ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख दीजिए। सेकेंड हम बना रहे हैं सॉल्टेड कैरमल सॉस। सो लास्ट वीडियो को में अगर आप देखेंगे तो मैंने सॉल्टेड कैरमल सॉस घर पे बनाया था, उसका मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऊपर भी लेफ्ट में भी अगर आप टॉप पे देखते हैं तो एक पिन मैंने अटैच किया है। ये मेरा होममेड सॉल्टेड कैरमल सॉस है, बहुत ही अमेजिंग है। इसकी रेसिपी प्लीज़ चेक कीजिए और एक बार इस सॉस को बना के देखिए। आप मार्केट से कोई भी आइसक्रीम के लिए सॉस लेना बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं फ्लेवरिंग के लिए 3 टेबलस्पून ऑफ सॉल्टेड कैरमल सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको हाफ मिक्स करके स्टिक्स भी छोड़ सकते हैं
और इसको फुल मिक्स करके आप अच्छे से एक यूनिफॉर्म बेस भी बना सकते हैं सॉल्टेड कैरमल के लिए। और क्रंच के लिए आप यहाँ पर बटरस्कॉच वाली जो क्रंचीज आती हैं, बिट्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ पे होममेड प्रलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं अपनी आइसक्रीम बेस को स्मूथ रख रही हूँ, सो आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग इनटू इट। तो सारी आइसक्रीम को एक आइसक्रीम कंटेनर में डालिए और इसके ऊपर फ्रीजर में इसको डालने से पहले मैं 1 से 2 टेबलस्पून सॉस एक्स्ट्रा इस तरीके से पैटर्न में डाल रही हूँ, सो दैट जब आप इसको स्कूप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैरमल सॉस यहाँ पे खाने को मिलता है। बिफोर आप इसको फ्रीज करें, डू टेस्ट इट, इन केस अगर आपको ज़्यादा सॉस की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। सो थर्ड हम बना रहे हैं आज ओरियो आइसक्रीम। ओरियो आइसक्रीम के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 ओरियो के बिस्किट्स लिए हैं, उसका मैंने क्रीम और बेस को अलग कर दिया है। क्रीम को अच्छे से स्मूदन कीजिए और अपने आइसक्रीम बेस में ऐड कर दीजिए। गिव इट अ गुड मिक्स। और इसका जो बिस्किट पार्ट था उसको मैंने रफली छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है और क्रंच के लिए मैं इसको आइसक्रीम बेस में ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए एंड आपकी ओरियो आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए आप यहाँ पर 1/4 टीस्पून टू 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। टुडे आई एम नॉट एडिंग इट क्योंकि मुझे ऐसे ही अपनी आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही है। एक आइसक्रीम कंटेनर लीजिए, उसमें सारा आइसक्रीम का बेस डालिए और ओवरनाइट आप इसको मिनिमम 6 to 8 आवर्स और ओवरनाइट आप इसको फ्रीज कीजिए और आपकी होममेड ओरियो आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। एंड हमारी आइसक्रीम सेट हो गई है। सो दिस इज माय सॉल्टेड कैरमल सॉस आइसक्रीम। एक आइसक्रीम स्कूप से जितने ऑब्वियसली आपको रिक्वायरमेंट है आप निकालिए, बट आई हैव फेल्ट लाइक कि 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम जब आप फोटोग्राफ करते हैं तो इनफ होती है एंड लुक्स कूल ऑल्सो इन दिस काइंड ऑफ बोल। और सर्व करने से पहले इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और अपना होममेड सॉल्टेड कैरमल सॉस डालूंगी। ये वाला सॉस जब आप फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, तो यूज़ करने से पहले आप इसे 10 to 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कीजिए एंड आपकी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो वापस आ जाएगी। And enjoy your homemade salted caramel sauce ice cream now. So next हमारे पास है Oreo ice cream. ओरियो आइसक्रीम को सर्व करने के लिए मैंने सिमिलरली आइसक्रीम को स्कूप किया, एक बोल में जितने भी आपको स्कूप्स चाहिए उतने आप डालिए एंड उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट का सॉस। आपको अगर और भी क्रंच की रिक्वायरमेंट है तो आप एक्स्ट्रा चॉप्ड ओरियो बिस्किट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज बिस्कॉफ स्प्रेड आइसक्रीम। सो उसको सिमिलरली स्कूप कीजिए, बोल में डालिए एंड थोड़ा सा बिस्कॉफ जो स्प्रेड था उसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया है और उसको इसके ऊपर ड्रिजल कीजिए एंड आपकी होममेड बिस्कॉफ आइसक्रीम भी रेडी हो जाएगी। ये तीनों ही फ्लेवर्स बहुत अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी है। बिलीव मी, इसके बाद आप शायद ही बाहर से आइसक्रीम खरीदेंगे एंड बहुत ईजिली आप इनको कस्टमाइज करके अपना फेवरेट फ्लेवर इसमें से निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। Please do subscribe to my channel, like, comment and share. It's really important for me at this stage. And do let me know in the comment section आपको आज की रेसिपी कैसी लगी and next आप मेरे चैनल पे क्या देखना चाहते हैं। Bye guys, stay connected.